माय डियर टू फैमिली, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, तो हम संध्या एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब के चैनल सान्विका ब्लॉग्स में। तो गाइज, एक बार फिर से आपके लिए लेकर आ गए हैं कुछ स्टेप्स जो कि आपके वेट लूज में आपकी हेल्प करेंगे, और एक बहुत ही यम्मी एंड हेल्दी रेसिपी जो कि अगर आप भी अपना वज़न कम करना चाहते हो बहुत आसानी से। कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ खाने को मिल जाए ऐसा जिससे कि वज़न कम हो जाए, मेहनत ना करनी पड़े, ठीक, बस उन्हीं के लिए तो आज का वीडियो उन्हीं के लिए है गाइज। और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, फुल वॉच करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो दोस्तों, अभी तो सुबह का समय है और एक्सरसाइज का टाइम है हमारा। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो और वेट लूज़ करना चाहते हो तो गाइज़ कोशिश करिए कि थोड़ी सी एक्सरसाइज अपनी डेली बेसिस की लाइफ में आप इंक्लूड कर सको, क्योंकि एक्सरसाइज जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है आपके वेट लूज़ में, बहुत ज़्यादा रोल, बहुत बड़ा रोल निभाती है। आप अगर वेट लूज़ करना चाहते हो तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये हो जाती है कि अगर आप एक्सरसाइज के साथ अपना वेट लूज़ करते हो ना तो आपकी बॉडी जो है फ्लेक्सिबल रहती है एकदम से, और जल्दी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अदरवाइज आगे चल के हमें ही प्रॉब्लम होने वाली है गाइस। एज बढ़ती है और एज के साथ साथ बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिन्हें हमें आगे चल के फेस करना पड़ता है दोस्तों। तो हमने ऐसे काफ़ी बुज़ुर्गों को देखा है, जो बुज़ुर्ग नहीं एटलीस्ट 14 इयर्स अक्रॉस, कि उनको घुटने में दर्द है, उनकी कमर में दर्द है। आजकल की तो यही सिचुएशन है दोस्तों कि जितनी भी हम हाउसवाइफ हैं, अगर उनका 30 प्लस भी हो गया उनकी एज, तो उनकी कमर में दर्द, उनके घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम आम बात हो गई है ये सब चीज़ें। तो इसके लिए भी आप अगर डेली बेसिस पे अपनी योगा और थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हो तो आपको बहुत इसके बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और जैसे आप ये देख सकते हो, इस तरह से उठना और इस तरह से बैठना देखा जाए तो आज की लाइफ में हमने बहुत सी ऐसी हाउसवाइफ को देखा है कि हाथ लगा के ज़मीन में उठना, ये सब चीज़ें, और ये चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है उनके लिए अगर बोल दो ऐसे करने के लिए। तो दोस्तों, धीमे धीमे इस चीज़ की आदत डालिए, आपके लिए ही ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और वेट लूज़ तो होना ही है अगर आप इतनी हैवी, ये इसको हैवी एक्सरसाइज ही बोलेंगे, और जब भी आप करोगे तो इतनी हैवी भी नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको 1 मंथ भी कर लेते हो तो आपको आराम से इसकी आदत हो जाएगी। तो इस तरह की एक्सरसाइज छोटी छोटी सी पहले करिए, जो कि हम अपने वीडियो में हर तरह की एक्सरसाइज दिखाते हैं। आप छोटी छोटी एक्सरसाइज कुछ सिलेक्ट कर लीजिए और उनको 2-2 मिनट करिए। 2 मिनट करने के बाद फिर आप 2 मिनट का रेस्ट लीजिए, फिर 2 मिनट करिए, फिर 2 मिनट का रेस्ट लीजिए। इस तरह से आप 2 से ज़्यादा मिनट का भी रेस्ट ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। और देखिए दोस्तों, वज़न घटाना वो कोई देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, और देखा जाए तो ये आसान भी नहीं है, क्योंकि हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है ना वो अलग अलग होता है। किसी का बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि उसको एक्सरसाइज से उसका वेट लूज़ हो जाता है, किसी का ऐसा होता है कि आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो आपका वेट लूज़ नहीं होगा। किसी का डाइट प्लान फॉलो करने से वेट लूज़ आसानी से होता है, और किसी का कोई भी आप डाइट प्लान फॉलो कर लो और बस आपने 2 समोसे खा लिए 2 दिन, और उसके बाद आपने जितना भी वेट लूज़ किया था सारा का सारा बैक हो गया, तो ये प्रॉब्लम्स जो है ना वो आम हैं। तो पहले आपको ये पता करना होगा कि आपकी बॉडी का जो टाइप है वो किस टाइप का है, कि आपका वेट कैसे लूज़ होता है। जैसे कि हम हैं, हम डाइट में कुछ भी ले लें, किसी भी तरह की चीज़ ले लें, बट अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारा वेट लूज़ नहीं होता है गाइस, और हमारा वज़न बहुत जल्दी बढ़ता भी है। ये चीज़ भी हमने नोट करी है कि अगर हम 2-4 दिन के लिए एक्सरसाइज छोड़ दें और बस कुछ भी उल्टा पुल्टा खा लें तो हम बहुत जल्दी वेट गेन कर लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये ज़्यादातर लोगों के साथ होती है, हमने ये चीज़ देखी है। तो पहले आप ये पता कर लीजिए कि आपका वेट किस तरह से क्यों बढ़ता है और किस क्या चीज़ करने से आपका वेट लूज़ होता है। आप डाइट फॉलो करते हो, अच्छी से अच्छी हेल्दी डाइट फॉलो करते हो तब भी आपका वेट लूज़ होता है, या आप एक्सरसाइज भी साथ में करते हो तो आपका वेट लूज़ होता है। पानी पर आप फोकस ज़्यादा बना के रखिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो भी पानी आपके वेट लूज़ को में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और अगर आप डाइट फॉलो कर रहे हो तो भी पानी आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पानी कंटिन्यू पीते रहिए। और गाइज, अब तो आ गई हैं गर्मियाँ, तो पानी के लिए बोलने की तो ज़रूरत है ही नहीं। पानी पर विशेष ध्यान बना के रखिए, और जो खाइएगा वो थोड़ा सा लिक्विडी, उस पर ध्यान रखिए। तो बस चलिए अभी बनाते हैं अपना हेल्दी सा एक ब्रेकफास्ट, जिसे खाने के बाद आपका वेट लूज़ तो होना ही है दोस्तों। और अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हो ना
तो इसे खा के आप में काफ़ी अच्छी खासी एनर्जी आने वाली है, तो आप एक्सरसाइज भी बहुत आसानी से कर सकते हो। अब एक्सरसाइज करके अगर आप थक जाते हो दोस्तों, तो उसके पीछे का रीज़न एक ये भी है कि थोड़े से अपने डाइट पे ध्यान दीजिए। आपको एग खाने होंगे, आपको चने खाने होंगे और हेल्दी चीज़ें खानी होंगी, बादाम खाने होंगे, जिससे कि आपके अंदर थकावट जल्दी ना आए। तो देख सकते हो यहाँ पर हमने चने कल रात में भिगो दिए थे और उनको हल्का सा बॉयल होने के लिए रख दिया है, थोड़ा सा नमक डाल के। और अभी हम कट कर रहे हैं धनिया और टमाटर, ये सारे का सारा जो इंग्रेडिएंट्स हैं। तो गाइस धनिया जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है हमारे लिए। हरे धनिया के पत्ते में मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी और पोटेशियम जैसे कई पोषक तत्व होते हैं जो सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। हरा धनिया खाने से इम्यून सिस्टम भी मजबूत हो जाता है, इससे इम्यूनिटी बढ़ती भी है। तो हरा धनिया तो हमें ज़रूर से खाना चाहिए। जो कि आप सामने आप देख रहे होगे कि कितना ढेर सारा हरा धनिया हमने कट किया हुआ है। अब हमने यहाँ पे कट किए हैं दो टमाटर, तो टमाटर के भी गुणों के बारे में आपको बता देंगे। इस टमाटर जो है ये पाचन तंत्र के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी अच्छा करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है और शरीर को डिटॉक्सीफाई करने में भी मदद करता है। स्किन के लिए तो फ़ायदेमंद होता है ये तो हम सभी जानते हैं। शुगर लेवल को भी कम करने में काफ़ी हेल्प करता है, वज़न घटाने के लिए भी फ़ायदेमंद है गाइस, और ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी खूब अच्छे से बढ़ाता है। तो ग्रीन चिली अब कट कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे छोटी छोटी सी दो या तीन ग्रीन चिली कट करेंगे क्योंकि बच्चे भी खाएंगे। तो इसके भी कुछ छोटे मोटे फायदे जो हम आपको बता देते हैं, जो कि जिससे डायबिटीज़ होती है उसकी समस्या में भी ये अच्छी होती है गाइस, और हमारी पाचन क्षमता को भी ये दुरुस्त कर देती है। वज़न को भी कम करने में हरी मिर्च का काफ़ी बड़ा योगदान होता है। तो बातों बातों में ये देखिए हमारे जो चने हैं वो हो चुके हैं बॉयल, और इनको हमने इनका पानी जो था वो निकाल दिया। बहुत ही कम पानी में इनको हमने बॉयल किया है, ज़्यादा पानी में नहीं तो इनके एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस जो है ना वो वेस्ट हो जाते। और बस पानी क्योंकि हमें अलग करना पड़ता तो पानी थोड़ा सा था वो अलग कर दिया, और बस ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, ज़्यादा देर लगभग 2 से 3 मिनट ही बॉयल करना है। अदरवाइज़ अगर हम सिर्फ अपने लिए बनाते हैं ना तो हम तो 2-3 मिनट भी नहीं, हल्का सा बस भाप लगाते हैं, और क्योंकि जितना उसको गर्मी के कॉन्टैक्ट में आएगा उतना ही उसका न्यूट्रिशन जो है वो वेस्ट हो जाएगा। और बस हल्का सा इसमें हवा लगने के बाद, एकदम से गर्म में नहीं ये चीज़ें मिक्स करनी है, हल्की सी हवा लगने के बाद 2-4 मिनट के बाद में हमने ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो कट किए थे ये ऐड कर दिए। और देख सकते हो भैया जी यहीं पे खड़े हैं क्योंकि इनसे सब्र नहीं हो रहा है, मेरे बच्चों को इतने ज़्यादा पसंद है गाइस। और हमें याद है कि जब मेरा बचपना था तो टमाटर, प्याज, हरी धनिया इन चीज़ों से इतना बचा करते थे, 10 साल के होने के बावजूद तक हमने अपनी सब्जी की कटोरी में सिर्फ आलू खा लिया और बाकी धनिया, प्याज, टमाटर ये कैसे बच जाता था, ये मतलब इतनी अच्छी टेक्निक से एकदम क्लीनिंग से बचा देते थे। बट आज देखिए कि हमारे बच्चे सब कुछ खाते हैं। हाँ एक चीज़ और भी है कि उस समय हमारी मम्मी जो है वो इतना एफर्ट नहीं डालती थी इन चीज़ों पे, बट आजकल बहुत ज़्यादा ज़माना जो है वो आगे निकल चुका है। बच्चों को किस तरह से उल्लू बनाना है ये सब हम लोगों को अच्छे से आने लगा है। तो देख सकते हो अब लास्ट में इसमें हमने काला नमक ऐड कर दिया, जिसके बिना इसमें मज़ा आधा रह जाता है टेस्ट में। और अब हमने इसमें बारीक बारीक कट करके पनीर ऐड कर दिया गाइस। और पनीर के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, पनीर में आप अगर 40 ग्राम पनीर खाते हो ना तो उसमें 7.54 ग्राम प्रोटीन और करीब 5 ग्राम फैट होता है। अगर आप प्रोटीन की पूर्ति के लिए पनीर खाना चाहते हो तो इसे आप ऑलिव ऑयल में रोस्ट करके ही खाना ज़्यादा बेटर रहेगा गाइस। तो गाइस इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको बैठे बैठे मिल रही हैं, तो प्लीज़ अगर मेरा वीडियो आपको जरा भी हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और हाँ साथ में बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलें, इससे मेरे आने वाले न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे गाइस। अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करिए, एक आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, और लाइक जब इतने कम देखते हैं ना तो मोटिवेट नहीं होते हैं बिल्कुल भी, मतलब मन में एक उदासी आ जाती है कि यार इतना अच्छा अच्छा सब कुछ शेयर करते हैं और पता नहीं क्यों लोगों को पसंद नहीं आता है। तो गाइस प्लीज़ आप अगर भूल जाते हो, आप ध्यान नहीं देते हो तो लाइक करना बिल्कुल ही मत भूला करिए, आपके एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं हम और अच्छा लगता है देखकर कि हमारी मेहनत सफल हो रही है। तो प्लीज़ इस चीज़ पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी करते रहिए। तो देख सकते हो पति जी के लिए यहाँ पर नाश्ता आ गया है और उनका क्या रिएक्शन है ये हेल्दी सा नाश्ता देख कर। इसमें क्यों निकाला है थोड़ा वो, मतलब बाहर वाले जो चने होते हैं उनका उनकी फीलिंग मतलब अच्छी वाली फीलिंग है इसलिए। अच्छा मतलब घर वाली फीलिंग अच्छी होगी बाहर वाली अच्छी, घर वाले तो रोज ही खाते हो। इसको भी चाहिए।